नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। आज हम बात करने वाले हैं सी सेट की रणनीति पे 2024 और 25 के लिए। जो यूपीएससी सी सेट 2023 का पेपर था वो सबको झटका दे चुका है। तो अगर 2024 के बाद जब से यूपीएससी ने सी सेट के पेपर को क्वालिफाइंग किया है, लगातार सी सेट के पेपर का स्तर बढ़ते जा रहा है। अगर मैं 2019 से 2020 के सी सेट का कंपेयर करूं तो 2020 का पेपर टफ था। 2021 के पेपर को 2020 के सी सेट से कंपेयर करूं तो 2021 के सी सेट का पेपर 2020 के सी सेट के पेपर से टफ था। और लास्ट में अगर मैं जो अभी 28 में 2023 को पेपर हुआ है सी सेट का, उसका भी लेवल ज्यादा ही टफ था। टफ होने के पीछे रीजन है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ के वो बढ़ते जा रहे हैं दोस्त, और क्वेश्चन का जो स्तर है वो लगातार लेंदी है, लेंदी क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, जहां पे क्रमशः एंड समचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो अब हमारे लिए सी सेट की रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम कैसे सी सेट को पास करें। सी सेट का पेपर पास करने के लिए आपको अब प्रीलिम्स के 2 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप प्रीलिम्स के 2 महीने पहले सी सेट को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गलती छोड़ दे। आपको सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्टार्टिंग से तैयार होना पड़ेगा। ऐसे हजारों स्टूडेंट के मैसेज व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मेरे पे आए जिनका सी सेट में पेपर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था और जीएस फर्स्ट पेपर में इनके 100 से ऊपर नंबर आ रहे थे, 105, 110, 115 ऐसे नंबर आ रहे थे। और ऐसे में कई लोगों को जानता हूं जो आईआईटी, जो अच्छे जगह से इंजीनियरिंग कर चुके हैं, वो भी सी सेट को पास नहीं कर पाए। इसके पीछे रीजन ये था कि उनके अंदर ज्यादा आत्मविश्वास था और वो प्रैक्टिस करके नहीं गए, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सिर्फ 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपकी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। आपको नंबर सिस्टम से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा कि हमें किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस करना है, हमें किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, हमें कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे समझना है। इसके लिए अगर आपने सबसे पहले अगर आप इस टेलीग्राम लिंक को नहीं ज्वाइन किए दोस्तों, तो इस टेलीग्राम लिंक को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम लिंक पे आपको सी सेट के क्लास का नोट्स, क्लास की पीडीएफ, बदलते हुए ट्रेंड पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सभी आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी। तो आप फटाफट इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि सी सेट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप 2024 और 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं फिर से बता रहा हूं कि सी सेट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप जीएस डेली 5 घंटे पढ़ते हैं दोस्त, तो सी सेट आप डेली 1 घंटे जरूर पढ़िए। बड़ा दुख होता है जब जीएस फर्स्ट पेपर में 100 नंबर आते हैं और आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहां पे आपको सचेत कर रहा हूं, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, न तो आत्मविश्वास में भर के आना है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, प्रारूप है, वो चेंज हो चुका है। वो रीजनिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो स्टेटमेंट दे रहा है, 4 से 5 स्टेटमेंट दे रहा है दोस्त, और कह रहा है कि इस क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको कितने स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। समझिए, गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। अगर सीधा सीधा पूछे कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसी को स्टेटमेंट बेस में दे देगा तो वहां से गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, पी की पॉसिबिलिटीज कितनी है 5, क्यू की पॉसिबिलिटीज कितनी है 6, यानी आपको केस बनाना पड़ेगा। 10 केस बना रहे हो और 1 केस भी छूट गया, आपने 1 केस भी छोड़ दिया, तो पॉसिबिलिटीज वैल्यू गलत हो जाएंगे। जो सी सेट का असर है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो बढ़ गया है, इसको आप मान लीजिए, और सी सेट आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आपका ये जो ऑप्शनल पेपर है, मेंस है, जीएस फर्स्ट है, ये तभी काम देगा जब आप सी सेट के पेपर को क्वालिफाई करेंगे। इग्नोर मत करिए, केयरलेस मत होइए, डरिए भी मत। मैं तीनों बात बोल रहा हूं, डरना नहीं है। सी सेट में आप 3 से 4 महीने अच्छे तैयारी कर लीजिए,
100% क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जितनी भी सी सेट की बुक्स हैं, सिंगेज, अरियन, इसको क्रॉस कर दीजिए दोस्त, ना बिल्कुल उस लेवल को टच नहीं कर रहा है। सी सेट की जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं, बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। आपको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं कि सी सेट का परिचय का प्रारूप क्या है। जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि यूपीएससी सीएससी में तीन चरण होते हैं। पहला आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, दूसरा आपका मेंस का एग्जाम होता है, और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं जिसको हम कहते हैं जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर। जो हमारा जीएस सेकेंड पेपर होता है उसी को हम कहते हैं सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है प्रतिभा चेक करना कि आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप जो सिविल सर्विसेज क्षेत्र में जा रहे हैं वहां के लिए आप परफेक्ट हैं या नहीं। हर एक क्षेत्र की अलग अलग प्रतिभा होती है, अलग अलग हर क्षेत्र में काम करने के लिए एक अलग अलग प्रतिभा का होना जरूरी होता है। तो सिविल सर्विसेज में आपकी जो प्रतिभा चेक की जाती है वो सी सेट के थ्रू, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू चेक की जाती है। तो इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किए हैं, आप जीएस फर्स्ट पेपर में कुछ भी कर लीजिए, काम बिगड़ गया है ना। तो देखिए जीएस सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, सी सेट कहते हैं। सी सेट के पेपर में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि जीएस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और नंबर होता है 200 का, बट जीएस सेकेंड पेपर यानी सी सेट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 80 है और हर एक क्वेश्चन यहां पे 2.5 मार्क्स का होता है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी जीएस सेकेंड सी सेट भी 200 नंबर का होता है। जैसे जीएस फर्स्ट पेपर में निगेटिव मार्किंग्स होते हैं वैसे सी सेट में भी निगेटिव मार्किंग होता है 1/3। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना है, ये नहीं कि आप पूरे क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं, निगेटिव मार्किंग है। आपको मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज बनाना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चंस गलत कम होते हैं तो आप मिनिमम 45 क्वेश्चंस करिए, अगर आपके क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं तो 55 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि 45 से 55 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, आपको 55 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्वालिफाइंग है, आपको 70 75 60 करना ही नहीं है दोस्त, मैक्सिमम 55 मिनिमम। अगर जो जिनके क्वेश्चंस गलत कम होते हैं अगर वो 40 क्वेश्चंस भी कर लें तभी भी चल जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रेंज होना चाहिए वो 45 से 55 का होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है, परीक्षा का जो प्रकार होता है दोस्तों ऑफलाइन होता है, प्रश्न पत्र की जो भाषा होती है अंग्रेजी और हिंदी होती है ना। सी सेट योग्यता जो अंक है हमें 33% लाना होता है, मतलब हमें जो नंबर लाने हैं वो 66 लाने हैं। लेकिन 66 तो आसान है लेकिन आता नहीं है दोस्त, मैं फिर से बता रहा हूं। लग रहा होगा कि 200 में 66 तो कोई भी लेके आ जाएगा, नहीं आते, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, चार महीने की मेहनत चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन मैथ्स का है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, 45, 50, 42, 43 ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैथ के। और जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस है हर एक कॉम्प्रिहेंशन पे एक क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो इतना बड़ा पैसेज पढ़ के एक क्वेश्चंस का जवाब दे वहां पे भी थोड़ा सा टफ हो चुका है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करें कि जो सिलेबस है क्या आता है, आपकी गणित आती है ना, आपकी रीजनिंग आते हैं, आपका जो है डीआई सिलेबस में तो है, आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, लेकिन डीआई से क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप लास्ट में भी पढ़ सकते हैं अगर टाइम बचा तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर ये नहीं पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, है ना। गणित में आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, ज्यामिति नहीं पढ़ना है दोस्तों, ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, अंक गणित पढ़ना है, अलजेब्रा भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़ रहे हैं तभी भी चल जाएगा, बीजगणित नहीं भी पढ़ रहे हैं तभी भी चल जाएगा, लेकिन आपको अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा। गणित में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, रीजनिंग में आपको भी सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो गणित की बात करते हैं कि देखिए गणित में क्या आता है, गणित में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं दोस्त वो संख्या पद्धति से पूछे जा रहे हैं। अगर मैं यूपीएससी सी सेट की बात करूं, है ना, यूपीएससी सी सेट की बात करूं तो संख्या पद्धति से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 20, 18 से 20 क्वेश्चंस संख्या पद्धति से।
2019 के बाद जो सी सेट में चेंज हुआ है वो यही है, संख्या पद्धति के क्वेश्चंस ज्यादा आना, 15 से 20 का रेंज है, 15, 18, 17 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस के ज्यादा पूछे जाना। तो संख्या पद्धति से आप ये लिख लीजिए मिनिमम 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। आप सिर्फ संख्या पद्धति के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं पूरे साल, मेरी बात होती है, मैं लोगों को देखता हूं तो मैं बता रहा हूं, यूट्यूब में भी बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलते रहते हैं, मतलब ही नहीं है, प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना है दोस्त। आपको संख्या पद्धति के सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि डिजिटी रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा संख्या पद्धति के। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको मिनिमम हर एक कॉन्सेप्ट पे 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो संख्या पद्धति है ये पूरे सी सेट का 20 से 25% का वेटेज है, 20 से 25% का जो वेटेज है सी सेट का वो संख्या पद्धति है। अगर आपने संख्या पद्धति अच्छे से पढ़ ली, क्रम से एंड संचय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपका सी सेट का पेपर क्वालिफाई हो गया। इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। दूसरी चीज सर, संख्या पद्धति के लिए मार्केट में सी सेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहां से करें? मैं बता रहा हूं, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, जहां पे बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस नए डिजाइन हो रहे हैं वो मैं आपको वहां पे शेयर करूंगा। आप फटाफट वहीं पे जाइए, टेलीग्राम लिंक को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा देखिए, सरलीकरण आता है, महत्तम एलसीएम एंड एचसीएफ, यहां से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, औसत से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, लेकिन इस बार का पेपर कुछ और ही था भाई, औसत परसेंटेज रेशियो देखने को ही नहीं मिला, मिला उस रेशियो में नहीं मिला जो पहले आते थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, प्रतिशत आपको पढ़ना है, औसत आपको पढ़ना है, एलसीएम एंड एचसीएफ आपको पढ़ना है, अनुपात समानुपात साझेदारी ये पढ़ने हैं, ये मैथ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ना है, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों। इसके साथ देखिए लाभ और हानि, ये सिलेबस में पढ़ना है आपको, समय एंड कार्य, यहां से टाइम एंड वर्क, यहां से हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, आसान होते हैं, सही कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, आसान होते हैं, सही कर लोगे। चैलेंज कहां है? चैलेंज है आपके संख्या पद्धति में, चैलेंज है आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, चैलेंज है आपके प्रोबेबिलिटी में, चैलेंज है डेटा सफिशियंसी में, चैलेंज है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, ये चैलेंज है। यहां से तो आप कर लेंगे, मिश्रण से कर लेंगे, बीजगणित, समय दूरी और चाल से कर लेंगे, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से भी यूपीएससी सी सेट में 1 क्वेश्चंस पूछा था, आसान था, बड़े आराम से आप कर लेंगे। लाभ और हानि है ना, लाभ और हानि, क्रम से एंड संचय इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। सी सेट को पास करना है आपको, ये 4 चीज छोड़ के नहीं जाना है, संख्या पद्धति, क्रम से एंड संचय, डेटा सफिशियंसी एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। बाकी यहां से जो भी चीज है, आपकी श्रेणियां हो गई, आपके बीज गणित हो गए, आपके मिश्रण हो गया, आपका समय एंड कार्य हो गया, आपका समय दूरी और चाल हो गया, इससे क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। और कोशिश ये करना है कि अगर हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, नॉर्मल नहीं कि ए ने 15 दिन में काम कर लिया, बी ने 20 दिन में काम कर लिया, सी ने 35 दिन में, तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे ना, उसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वो नए तरीके से हमें सी सेट की तैयारी करनी है, क्योंकि 2024 के पेपर का लेवल क्या होगा हम नहीं बता सकते, पेपर लगातार इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आप अपने आप को तैयार रखें, तैयार रखें, 4 महीने आपको पढ़ना है सी सेट। नेक्स्ट देखिए प्रायिकता, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समुच्चय सिद्धांत है ना, ज्यामिति अगर नहीं भी पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति नहीं पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, सिलेबस में है, ये आपको बाद में भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, अगर आपके पास समय है तो आप इसको पढ़िए, नहीं है छोड़ दीजिए। लेकिन जो अर्थमेटिक, जो आपका अंक गणित है, उसको नहीं छोड़ना है दोस्त, उसको पढ़ाई करना ही करना है ना, ये आपके लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक हैं।
लेकिन सिलेबस में है तो एक बार पढ़ लीजिए, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है त्रिकोणमिति के 3 क्वेश्चंस डाल दिए, है ना। कौन जानता था कि परमुटेटर और कॉम्बिनेशन से 10 क्वेश्चंस आएंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे, आ गया। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग में क्या करना है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग हर साल 1 क्वेश्चन आते हैं, ईजी होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ईजी टॉपिक कौन सा है जहां से हम सी सेट कर सकते हैं रीजनिंग के, कोडिंग एंड डिकोडिंग हर साल 1 क्वेश्चन आता है, अगर आपका किस्मत सही है तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, आपका डायरेक्शन दिशा परीक्षण है ना, क्रम व्यवस्था, आपका ब्लड रिलेशन रक्त संबंध है ना, तार्किक वेन आरेख, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, क्यूब से इस बार क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे क्यूब एंड कलर करके, घड़ी एंड कैलेंडर, तार्किक पहेलियां, यहां से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है दोस्तों। घन एंड घना, पासा, यहां से यूपीएससी सी सेट ने इस बार पूछा था 3 क्वेश्चंस। घड़ी एंड कैलेंडर, कैलेंडर के क्वेश्चन 10 के पावर 10, बताइए 10 के पावर 10 वाला। तो आपको अगर मैथ का रिमाइंडर थ्योरम पता है तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये भी अगर हम इसको भी जोड़े कैलेंडर के क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम से कनेक्ट किया था, है ना, आप भी इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, आपको देखिए चित्र को पूर्ण करना, दर्पण, जल प्रतिबिंब, संख्या समस्या, तार्किक पहेलियां, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ना पड़ेगा। बस समझ आ रहा है, रीजनिंग का जो वेटेज है वो कम होते जा रहा है, 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, है ना। पहले ये होता था कि रीजनिंग कर लो, मैथ नहीं आता था, मैथ को साइड कर लो, रीजनिंग कर लो, कॉम्प्रिहेंशन कर लो, हो जाएगा ना। आपको सी सेट क्वालिफाई करने के लिए बैलेंस तैयारी करना जरूरी है, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा और आपको कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड होके सी सेट नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ मैथ पे भी डिपेंड होके सी सेट नहीं निकाला जा सकता। रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो सबको पढ़ते हैं, रीजनिंग तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा दोस्त। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर प्रैक्टिस ज्यादा स्टार्ट कर दीजिए, और अभी से स्टार्ट करिए, लास्ट के 2-3 महीने का गेम छोड़ दीजिए। चलिए देखिए डीआई, मैं ये करूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन आप लास्ट में छोड़ दो, टाइम बचेगा तो पढ़ो, नहीं बचेगा छोड़ दो। मैं कहूंगा कि एक बार पढ़ लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि डीआई के एक बार ऐसे क्वेश्चंस थे जब 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो कोई भरोसा नहीं यूपीएससी का, मैं तो ये कहता हूं कोई भरोसा नहीं। हो सकता है 2024 में डीआई के 10 क्वेश्चंस आ जाएं, फिर आप बाहर निकलेंगे कहेंगे पैटर्न चेंज हो गया। भाई सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, आप इसको लास्ट में पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़िए जरूर, मैं यही कहूंगा। मुझे यकीन है कि कभी ना कभी यूपीएससी सीसेट डीआई से 10 से 12 क्वेश्चंस दे देगा, और उस बार फिर कहेंगे कि सीसेट फिर फेल कर गए। इसलिए मेरा मानना है कि यूपीएससी सी सेट का सिलेबस है दोस्तों, पढ़ लो। रेखा चित्र, लाइन ग्राफ है ना, आपको टाइप्स ऑफ बार डायग्राम पढ़ना है, इसमें पाई डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको डीआई पढ़ना है पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में है। ठीक है, अब आपके आ गए कॉम्प्रिहेंशन, कि हम कॉम्प्रिहेंशन को कैसे तैयार करें। कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है दोस्त, वो आपके एक पैसेज दिया होगा और उस पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंक्लूजन क्या है, इंप्लीकेशन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोरोलरी का क्या आ गया, इन्फेरेंस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको मिनिमम, मैं बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, 300 प्रश्न को हल करना है, याद रखिएगा 300 प्रश्न को हल करना है, ये लिख लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको सी सेट पास करना है तो कॉम्प्रिहेंशन के 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के, है ना, मिनिमम आपको 150 प्रश्न को सॉल्व करना है, 150 प्रश्न को। क्रमचय एंड संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है।
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है ना, डेटा सफिशियंसी के 80 प्रश्न को सॉल्व करके जाना है, ये लिख लीजिए बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस पे आपको 60 प्रश्न हल करना है, बाकी आप छोड़ दीजिए। टाइम एंड वर्क 30, औसत 30, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि 30, प्लस PYQs। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये बांध लीजिए, ये यहीं से अगर सी सेट को पेपर को टप करना है, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बढ़ा देगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगेंगे, संख्या पद्धति से क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगेंगे, पेपर टफ हो जाएगा। पेपर को इजी करना है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछेगा, औसत से पूछेगा, रेशियो से पूछेगा, प्रतिशत से पूछेगा, मिश्रण से पूछेगा, साझेदारी से पूछेगा, रक्त संबंध से पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछेगा, पेपर आसान हो जाएगा। क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूं, पेपर को अगर उसको टप करना है, चार चीज पकड़ेगा, पेपर को आसान करना है, बाकी चीजों को पकड़ेगा, आसान हो गया। पेपर को टप करना है, क्वेश्चन सीधे नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट में पूछ देगा, लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही हालत खराब, ठीक है? तो ये तरीका है सी सेट को क्वालिफाई करने का। अच्छा, मैं 2023 के पेपर के एनालिसिस करूं कि 2023 यूपीएससी सी सेट का कैसा प्रश्न था, तो देखिए यहां पे आपके जो क्वेश्चंस है, संख्या प्रणाली से 20 क्वेश्चन है, क्रमचय एंड संचय से 4 है ना, आपके ये 4 क्वेश्चन है, घन घनाभ से 4 आ गए, कोडिंग डिकोडिंग से 2 आ गए, श्रृंखला से 1 आ गए, रैंकिंग सिस्टम से 1 आ गए, आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है, रक्त संबंध 2 होगा, है ना। अब यहां पे देखिए, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 18 पूछा, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 27 क्वेश्चंस, बाकी सब तो एक एक क्वेश्चन है। बाकी आप देखिए, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑन एज से 1 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन है। और मैं एक बार ये बता दूं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क को मैंने 1 काउंट किया है, लेकिन टाइम एंड वर्क स्टेटमेंट बेस्ड था, तो मैंने इसको स्टेटमेंट में डाल दिया। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, किसी भी टॉपिक से बनाया जा सकता है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं कि यूपीएससी का ट्रेंड कैसा है, तो देखिए, जब हम ये क्वालिफाइंग नेचर का था, क्वालिफाइंग यूपीएससी ने जब इसको क्वालिफाइंग किया, उसके बाद 2014 के बाद यूपीएससी ने इसको क्वालिफाइंग किया, इसके बाद जो मैथ के क्वेश्चंस है, उनका क्वेश्चंस का बढ़ना, क्वेश्चन का लेंदी होना, ये दो चीज आ गया। उसके पहले क्वेश्चंस आसान थे, आपको फ्री का डिसीजन मेकिंग के आते थे, फ्री में नंबर मिल जाते थे, निगेटिव मार्किंग था नहीं, तो उस समय सी सेट को पास करना और अब सी सेट को पास करना, दोनों में बहुत फर्क है। इसको मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं और लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। तो जब से सी सेट क्वालिफाइंग हुआ है, क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो देखिए, वो इंक्रीज हुआ है। 2015 में 30 क्वेश्चन, 2016 में 31 क्वेश्चन, 2017 में आपके 28 क्वेश्चन, 2018 में आपके 18 क्वेश्चन, 2019 में आपके 32 क्वेश्चन, 2020 में आपके 42 क्वेश्चन, 2021 में जो रेंज है मैथ का वो 40 से 45 का आ गया है। अगर मैं 2023 की बात करूं, 40 से 45 का रेंज है, 42-43 क्वेश्चन। तो अभी जो क्वेश्चन का रेंज है मैथ का, वो आपका है 40 से 45 का, रीजनिंग का 12 से 13 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का 27-28-26 क्वेश्चन, ये चल रहा है। बदलता हुआ ट्रेंड ये बता रहा है कि मैथ के क्वेश्चन का रेंज 42 से 45 है, रीजनिंग के क्वेश्चन का रेंज 12 से 13 है, और कॉम्प्रिहेंशन का रेंज 27-28-26 है। ठीक है, देखिए पहले देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन लगातार कम हो रहे हैं, 12 पहले ज्यादा आते थे, 21-28 जब ये क्वालिफाइंग नहीं था, लेकिन अब ये इंक्रीज कर रहा है, 15-12, 2013 में भी, 2023 में भी 12 क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग आते थे, आसान थे, कर लेते थे, लेकिन अब 2023 में रीजनिंग भी स्टेटमेंट बेस में दे दिया, तो सॉल्व करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो चुका है। कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करना चुनौतीपूर्ण हो गया है, हर एक स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन,
हर एक कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन, जो कॉम्प्रिहेंशन का रेंज है 27, 28, 26 का चल रहा है, ठीक है। तो पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड होकर सी सेट को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, मैथ पढ़ना पड़ेगा। डीआई की बात कर लें, देखिए डीआई एक बार 6 क्वेश्चंस पूछा है, एक बार 8, एक बार 9, अदरवाइज 0000 डेटा, ये डीआई डेटा व्याख्यान 14000 ये पहले आते थे डिसीजन मेकिंग 14, इसलिए कह रहा हूं डीआई आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए व्हाई इज सी सेट पेपर इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन कि सी सेट पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए क्या बात है, सी सेट के पेपर का बढ़ना क्या है कि गुजरते साल के साथ सी सेट के पेपर का कठिनाई स्तर बढ़ते जा रहा है, इस बात को आप भी मान रहे हैं कि सी सेट के पेपर का कठिनाई स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। रीजन क्या है, मैथ के क्वेश्चंस का ज्यादा आना, मैथ के क्वेश्चंस का लेंदी होना, मैथ के क्वेश्चंस बड़े बड़े होना, कैलकुलेशन बेस्ड होना, ठीक है। हर साल हजारों पेपर, यही बात मैंने आपको बताया कि हर साल मैं हजारों पेपर, हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो जीएस फर्स्ट पेपर में 100 के ऊपर लाते हैं लेकिन रुक जाते हैं जीएस सेकेंड पेपर में। मैं जामिया के, जामिया यूनिवर्सिटी के रेसिडेंशियल कोचिंग में भी पढ़ाता हूं जहां ज्यादातर स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अच्छे जगह से हैं, वहां पे भी लोग सी सेट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए 2023 में। रीजन आत्मविश्वास, हम कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं किया, अटेंप्ट किया 40, गलत निकल के आ गए 12-13। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे आपका बैकग्राउंड मैथ हो ना हो, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं था उनको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, जिनका बैकग्राउंड मैथ था उनको कम करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड को हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अभ्यास के दम पे। एप्टीट्यूड देखो जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है, लेकिन इसको अभ्यास के तरीके से बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एप्टीट्यूड बढ़ाया जा सकता है। तो इसको सही क्वालिफाई करने का यही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। मैं बार बार यही बढ़ रहा हूं, गणित के प्रश्न बढ़ गए हैं और कठिनाई का स्तर अधिक है। पैसेज भी, पैसेज की बात कर लें, पैसेज कठिन होते जा रहा है दोस्तों, पैसेज कठिन होते हैं और पैसेज पर पूछे गए अधिक विश्लेषण होते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि सी सेट में फेल होना हिंदी माध्यम में खराब रिजल्ट का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। प्रीलिम्स में से एक या दो महीने पहले मैंने 3 या 4 पॉइंट्स नोट किए हैं कि हिंदी माध्यम में सी सेट के फेल होने के रीजन क्या है। फेल होने का यही रीजन है कि प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने पहले सोचना ना, वो जमाना गया। अब आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे जीएस फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो वैसे सेकेंड भी स्टार्ट कर लो, उतना टाइम मत दो कि ताकि आपका टाइम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी बना रहे। आप 6 घंटे की पढ़ाई अगर जीएस फर्स्ट पेपर में करते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे की पढ़ाई जीएस सेकेंड पेपर में जरूर करिए। लगातार सी सेट से टच में रहिए, छोड़िए मत, गैप मत दीजिए। दूसरा क्या है, केवल कॉम्प्रिहेंशन को कर लें तो सी सेट आसानी से हो जाएगा, ये भी एक बड़ी मानसिकता है सी सेट को क्वालिफाई ना करने के पीछे। मैंने आपको बताया है कि रीजनिंग तो आता ही है सबको, मैथ प्लस कॉम्प्रिहेंशन दोनों का आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। थर्ड क्या है, सी सेट तो क्वालिफाई मैं कर लूंगा आराम से, क्योंकि ये आपको लगता है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसको मैं आराम से कर लूंगा, इस चीज से भी दूर रखिए। देखिए फिर वही, जीएस में तो अच्छे अंक थे पर सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, यही रोना आ जाता है। देखिए मैंने 2023 के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, ये 2023 के देखिए कैसे क्वेश्चंस है 2023 यूपीएससी सी सेट का, समझिएगा ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी सी सेट 23 के हैं। कि पी, क्या पी प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है, पी माइनस क्यू प्लस आर से, जहां P, Q, R पूर्णांक है, आपको दो कथन दे दिया कि P माइनस Q धनात्मक है, P माइनस R ऋणात्मक है, ये P माइनस R है। क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब पहले स्टेटमेंट से दे सकते हैं, सिर्फ पहले स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं?
क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दूसरे स्टेटमेंट से दे सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दोनों स्टेटमेंट का यूज करके दे सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दोनों स्टेटमेंट को यूज करने के बाद भी नहीं दे सकते हैं? इतना बड़ा क्वेश्चन, देखिए मैं कठिनाई का स्तर बता रहा हूं। देखिए दूसरा सीसेट 23 का क्वेश्चन कि मान लीजिए पीपी क्यू क्यू आर आर दो अंकों की संख्याएं हैं जहां P लेस देन Q लेस देन R है। यदि PP प्लस QQ प्लस RR को ऐड किया जाए तो TT0, जहां TT0 कोई तीन अंकों की संख्या है जिसका अंतिम अंक शून्य है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। P के संभव मान की संख्या 5 है, Q के संभव मान की संख्या 6 है। क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है? इस क्वेश्चन के कठिनाई का स्तर बहुत है दोस्तों, आपको सारे केस बनाने पड़ेंगे। क्या पी के पांच पॉसिबल वैल्यूज हैं? अगर बीच में एक भी केस आपका छूट गया, क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? कठिनाई का स्तर देख रहे हो, पी के पॉसिबल वैल्यू की संख्या 5 है, या आपको सारे पॉसिबिलिटीज सोचने पड़ेंगे कि ऐसा मैं कौन कौन सा संख्या ले सकता हूं जहां टी 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 जीरो बन जाए, और पी ऐसा लेना है जो क्यू से छोटा है, और क्यू ऐसा लेना है जो आर से छोटा है। अगर इसके 10 केस बन रहे हैं और आपने एक भी छोड़ दिया, क्वेश्चंस गलत। समझिएगा कठिनाई का स्तर। नेक्स्ट, चार पत्र और चार लिफाफे हैं, और ठीक ठीक एक पत्र को सही पत्र वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डालना है। यदि पत्रों के लिफाफों में यादृच्छिक रेंडमली रूप से डाला जाता है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, ऐसा केवल 6 तरीके से जिनमें केवल 2 पत्र एक ही सही लिफाफे से जा सकते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है। दोस्तों ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, मैं जेई मेंस में भी पढ़ाता हूं, तो मैं जो जेई मेंस की तैयारी करते हैं, आईटी की तैयारी करते हैं, उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक है डी अरेंजमेंट केस, जहां पे डी अरेंजमेंट केस सिखाया जाता है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कहां से 10th लेवल का मैथ्स है? ये तो आपके 11th 12th एनसीईआरटी में भी नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ये तो जो एडवांस लेवल की तैयारी करता है, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करता है, उसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डी अरेंजमेंट केस पढ़ाया जाता है, तो वहां पे सिखाया जाता है। ये कहीं 12th के मैथ्स में भी नहीं है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। जब आप जेई मेंस की तैयारी करेंगे उसका यह टॉपिक है। तो कठिनाई का स्तर यह है दोस्त, 5 घन पूर्णांक पी क्यू आर एस टी में से आवश्यक नहीं है कि एक क्रम में हो, 3 सम है और इनमें 2 विषम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीसेट 23 में पूछा गया है कि पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप से विषम है, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी निम्नलिखित रूप से विषम है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है। अब इस क्वेश्चन में आपको सम और विषम के सारे केस सोचने पड़ेंगे। सम कब कब हो सकता है, विषम कब कब हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, हम सीसेट की तैयारी कराएंगे, आप बस तैयार हो जाइए, प्रॉपर नोट्स करिए। जो यूपीएससी सी सेट की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल उसी लेवल का सी सेट आपको पढ़ाया जाएगा। नए बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों कि अगर आपने हिंदी मीडियम वाला बैच अगर ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट ज्वाइन कर लें। आपको अनअकैडमी की पूरी टीम मात्र 8000 में आपके जीएस सी सेट मेंस के पेपर, आपका ऑप्शनल का मेंस का टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, सी सेट सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। आपको डिस्काउंट के लिए जो कोड अप्लाई करना है वो IA10 कोड अप्लाई करना है। जब IA10 कोड अप्लाई करेंगे तो ये प्राइस 7999 में आएगा। ये बैच आपको इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के हैं, इनके साथ है। इतने कम प्राइस पे तो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी नहीं आते थे जब मैं तैयारी करता था, है ना? ठीक है, ये बैच क्लोज होने वाला है दोस्तों 7 तक, यानी आज लास्ट डेट है। आप फटाफट इसको एनरोल करें और कोड IA10 डालिएगा, ये कोड याद रखिएगा। आपको जो कोड अप्लाई करना है वो IA10 कोड अप्लाई करना है। दूसरी चीज मैं बता दूं दोस्तों कि
आपके लिए स्टार्ट हो चुका है बैच। अगर आप एनसीईआरटी बैच करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पूरी बैच आपको 4999 रुपए मिल रही। यहां पे भी जो आपको कोड अप्लाई करना है वो IE10 कोड अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। और सी सेट का बैच आपके डिमांड पे आ गया कि सर सी सेट हमें, मुझे हजारों मैसेज आए कि सी सेट स्टार्टिंग से पढ़ाइए, शुरू से पढ़ाइए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए और उस लेवल तक पढ़ाइए जो सी सेट में पूछा जा रहा है। तो ये बैच स्टार्ट है, आपको इनरोल कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ये बैच आपको IE10 कोड डालने पे 2499 रुपए में मिलेगा। ये प्राइस बढ़ने वाला है जो सी सेट का हमारा पढ़ाई होगा, जहां पे नंबर सिस्टम के वेटेज ज्यादा होंगे, हर एक कॉम्प्रिहेंशन पे एक क्वेश्चन होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, मैं आपको ये श्योर कर रहा हूं कि यहां से पढ़ने के बाद आप सी सेट में फेल होने का सवाल नहीं है, बशर्ते तब जब आप रेगुलर क्लास करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है प्रिलिम्स का, दोस्तों प्रिलिम्स का टेस्ट सीरीज भी ले लीजिए, जिसमें जीएस और सी सेट दोनों मिलेगा। कोड अप्लाई करना है आपको IE10 और ये बैच 2999 रुपए में मिलेगा। इसी तरह आप मेंस के भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो कि 2499 रुपए में मिलेगा। आपको कोड अप्लाई करना है IE10, जिसमें 100% सिलेबस कवरेज है, है ना, आपका इंप्रूव होगा, आपके आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। आपको कोड IE10 अप्लाई करना है, ये पाथफाइंडर की बेस्ट टीम है और आपके डिमांड पे ही हिंदी मीडियम में बैच लाया गया कि सर इंग्लिश मीडियम में तो आ गया, हिंदी मीडियम में लाइए। तो हिंदी मीडियम वाला बैच 15 जुलाई से स्टार्ट है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड अप्लाई करना है वो IE10 कोड अप्लाई करना है। यहां पे भी हम 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस लेंगे, जिसमें आपका प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, मेंस के चारों पेपर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी बताया जाएगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।